वेलकम टू द नदर वीडियो ऑन दिल्ली पुलिस जीके। टॉप क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, कौन सा पदार्थ बिजली के प्रभाव को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? चार ऑप्शन है, विंसवाहक, संवाहक, संधारित्र, अतिचालक। इसका राइट आंसर है चौथा, अतिचालक। अतिचालकता एक विशिष्ट संवाहक द्वारा प्रदर्शित होने वाली घटना है जो किसी विद्युत प्रवाह में कोई प्रतिरोध प्रदर्शित नहीं करती है। यदि सुपर कंडक्टिंग सर्किट एक बार शुरू हो गया तो यह अनिश्चित काल तक इसका प्रभाव जारी रहता है। अतिचालकता केवल एक निश्चित क्रांतिक के तापमान के नीचे प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है? चार ऑप्शन है, कम गलनांक, अधिक प्रतिरोध, कम चालकता। राइट आंसर है कम गलनांक। विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक युक्ति फ्यूज है। फ्यूज ऐसे तारों का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ का गलनांक बहुत कम होता है। जब परिपथ में अतिभारण, ओवरलोडिंग या लघु पथन, शॉर्ट सर्किट के कारण बहुत अधिक धारा प्रवाह हो जाती है, तब फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है। इसके कारण परिपथ टूट जाता है और इसमें धारा प्रभावित होना बंद हो जाता है, जिससे परिपथ से जुड़े उपकरण नष्ट होने से बच जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सात इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होता है? इसके चार कलर दे रखे हैं ऑप्शनों में, लाल, बैरंगी, हरा, सफेद। राइट आंसर है सफेद। जब एक छोटी गोल शक्ति जो खंडों में विभिन्न रंगों, प्राय न्यूटन के प्राथमिक रंगों जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नील और बैरंगी में रंगी गई हो, को तेजी से घुमाया जाता है तो यह सफेद दिखती है। इसे न्यूटन की शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पराग को पराकोश एंथर से उसी फूल के वर्तिक्र स्टिमा में हस्तांतर को डैश कहा जाता है। चार ऑप्शन है, स्व परागण, पर परागण, रिवर्स परागण, कृत्रिम परागण। तो इसका राइट आंसर है स्व परागण। तो स्व परागण में एक पुष्प के परागकरण उसी पुष्प तथा उसकी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब परागण होता है और बीज की निर्माण होता है। यह स्थानांतरण तब हो सकता है जब या तो परागकण वर्तिकाग्र पर स्वयं गिर जाते हैं या किसी कीट, हवा, जल जैसे किसी पराकर्ता द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? चार ऑप्शन है, केंद्रिका, गुणसूत्र, वांछनु या पितृक कोशिका। राइट आंसर है वांछनु या पितृक। वांछनु या पितृक अनुवांशिक इकाई है जो जीवित प्राणियों में वंशानुगत लक्षणों के रूप में पाए जाते हैं। ये कोशिका के नाभिक के गुणसूत्र में पाया जाता है। वंशाणु जो डीएनए के बने होते हैं, अणु जिसे प्रोटीन कहा जाता है, के निर्माण में निर्देश देने का कार्य करते हैं। मानव में वंशाणु मात्र भिन्न भिन्न से लेकर 2 मिलियन आधारों से भी अधिक हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार प्रकाश के साथ जलता है और उस प्रकाश का क्या रंग है? चार ऑप्शन है जिसका राइट आंसर है सफेद, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। मैग्नीशियम की पतली पट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा सफेद रोशनी के एक तेज क्रौंद के साथ जलता है। जब इसे पूरी तरह से जला दिया जाता है तो यह एक पाउडर जैसा राख पीछे छोड़ देता है। मैग्नीशियम एक अत्यधिक ज्वलनशील धातु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसका राइट आंसर थर्ड है, उदासीकरण। अम्ल का क्षारक के साथ अभिक्रिया उदासनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अम्ल से हाइड्रोक्साइड आयन का अम्ल से क्षारक को स्थानांतरण होता है, इसलिए इसे प्राय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन संयोजन अभिक्रिया भी हो सकता है। इसमें उत्पाद लवण और प्राय जल होते हैं, इसलिए इन्हें जल बनाने वाला अभिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है? बफर, विलायक, विलेय, उत्प्रेरक। चौथा ऑप्शन सही है, उत्प्रेरक। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं।
तथा ये क्रिया उत्प्रेरक कहलाता है। उदाहरण के लिए लार में पाया जाने वाला एंजाइम पाचन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉरी निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पौधे तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाए। चार ऑप्शन है जिसका राइट आंसर है ह्यूमस की उपस्थिति। ह्यूमस की उपस्थिति मृत पौधे तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ना सुनिश्चित करता है। ह्यूमस गहरा कार्बनिक पदार्थ है जो मृदा में पौधों एवं जानवरों के अवशेषों के क्षरण पर बनते हैं। उर्वरक मृदा के लिए ह्यूमस अत्यंत लाभदायक पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्रकाश पोषक तत्व तथा स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के विषय में क्या कहा जा सकता है। चार ऑप्शन है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व बहुत दुर्लभ है, यह सर्वाधिक तीव्र होते हैं, यह औसत होते हैं। इसका राइट आंसर है थ्री, ये सर्वाधिक तीव्र होते हैं। जब जब दो स्थान अतिच्छादित होते हैं परिणाम स्वरूप जीवों के बीच स्पर्धा होती है प्रजातियों के अंदर। अतः जातिगत स्पर्धा के मामले में स्थान अतिच्छादन लगभग 100% होता है। पर्यावरण में समान प्रजातियों के वैशिष्ट एकदम समान प्रकार की प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए यह सबसे प्रभावशाली प्रकार की प्रतियोगिता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्यों के सभी सरकारी स्कूलों में हमारी शाला कैसी हो तथा शाला सिद्धि कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके जो चार ऑप्शन है, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हमारी शाला कैसी हो और शाला सिद्धि कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें राज्य के 25,000 विद्यालयों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने में प्रोत्साहन देने के लिए शाला सिद्धि प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कौन सी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर तथा कृषि समुद्री प्रसंस्करण के विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। चार ऑप्शन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान कौशल योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना। राइट आंसर जो है पहला है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। कृषि खाद्य प्रसंस्करण पर एक नई केंद्रीय योजना है। इसे पहले एग्रो मरीन प्रोसेसिंग और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के विकास के लिए योजना के रूप में जाना जाता था। इसमें मेगा फूड पार्क, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की बुनियादी ढांचे, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता आदि निर्माण के लिए योजनाएं शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के अब तक की दर्ज की गई सबसे प्राचीन A1689811 नामक आकाशगंगा की खोज की है, जिसके चार ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो है वन, कुंडलित। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में 11 बिलियन वर्ष पूर्व के सबसे प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा की खोज की घोषणा नवंबर 2017 में की है। इससे ब्रह्मांड के निर्माण काल और अन्य आवश्यक तत्वों की जानकारी मिल सकती है। इस आकाशगंगा को A1689B11 का नाम दिया गया है। यह बिग बैंग के निर्माण के 2.6 बिलियन वर्ष के पश्चात उस समय अस्तित्व में आया जब ब्रह्मांड आज की तुलना में मात्र इसका पांचवा भाग था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आरएनए संपदा के लिए प्रोग्राम बनाने योग्य A2I प्रतिस्थापन का मुकाबला करने के लिए एक जीन संपदा उपकरण है। चार ऑप्शन है, अनुवांशिक रोग, डीएनए अधपतन, आकृति परिवर्तन, कोई विकल्प नहीं। इसका जो राइट आंसर है वन है, अनुवांशिक रोग। आरएनए संपदा के लिए प्रोग्राम बनाने योग्य A2I रिप्लेसमेंट एक नया जीन एडिटिंग टूल थेरेपी है जो मानव में अनुवांशिक बीमारी के कारण उत्परिवर्तन को बदल सकता है। रिपेयर जीन एडिटिंग टूल CRISPR पर आधारित है जिसे कोशिका में डीएनए को संशोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ये माना जाता है कि झील क्रिस्टेसस खटीमय युग में डक्कन असितास्मय चट्टानों पर उल्कापिंड के प्रभाव के कारण विकसित हुई थी, जिसके चार ऑप्शन है, लोनार, वीना, अंबाजारी, रनकला। जो इसका राइट आंसर है लोनार। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। आकाशीय उल्कापिंड के टक्कर से निर्मित खारे पानी की यह विश्व की पहली झील है। इसका खारा पानी इस बात का प्रतीक है कि कभी यहाँ समुद्र था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि बेसाल्टिक चट्टानों से बनी यह झील
बिल्कुल वैसी ही है जैसे झील मंगल की सतह पर पाई जाती है। यहाँ तक कि इसके जल के रासायनिक गुण भी मंगल पर पाई जा गई झील के रासायनिक गुणों से मिलते जुलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में क्या सही है? इसका राइट आंसर है टू, यह एक प्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 को भारत भर में लागू माल और सेवा कर GST लागू एक अप्रत्यक्ष कर है जो केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई करों के बदले एकल कर है। इसे संविधान 101 के अधिनियम 2017 के रूप में पेश किया गया। संविधान के 122वें संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद GST परिषद द्वारा संचालित और इसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री हैं।